के जो इलेक्शंस का प्रोसेस अभी चल रहा है, 25 को डिस्ट्रिक्ट राजौरी में इलेक्शंस हैं, इसके लिए जो हमारा पोलिंग स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग्स, मल्टी लेवल की ट्रेनिंग्स की जा रही है और अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग बैचेस बना के छोटे छोटे बैचेस में इनकी ट्रेनिंग की जा रही है, ये इंश्योर करने के लिए कि ट्रेनिंग अच्छी क्वालिटी की इंश्योर की जा रही है। आज मैंने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और पूरे लगभग 1.5 घंटे का जो सेशन था उसमें हिस्सा लिया और हर एक पोलिंग पर्सनल जो ड्यूटीज करेंगे उनके साथ बातचीत की और ट्रेनिंग का उनका जो स्टेटस था उसको जाना और कुछ डाउट्स थे पोलिंग पार्टीज के जो एड्रेस किए। बहुत फोकस है कि हमारे जो पोलिंग पार्टीज हैं, पोलिंग पर्सनल्स हैं, वो वेल ट्रेंड हो, अपने पोलिंग स्टेशंस में हो, किसी भी तरह की कोई उनको डाउट ना हो और यहाँ पे वो पूरा इलेक्शंस के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करें और फिर पोलिंग के लिए। नहीं, ट्रेनिंग जो है अलग अलग जगह पे हो रही है, कोटरंका में हो रही है, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में, मुशहरा में हो रही है, अलग अलग जगह पे छोटे छोटे बैचेस बना के ट्रेनिंग्स की जा रही है ताकि लोगों को जो हमारे पर्सनल्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग इंश्योर की जाए। तो किस तरह के अरेंजमेंट किए गए हैं पूरे जिला में? देखिए, हर तरह के जो अरेंजमेंट्स हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग रूम हो, चाहे पोलिंग स्टेशंस हो, चाहे वो हमारे काउंटिंग हॉल हो, हर जगह की तैयारियां पैरेलली चल रही हैं। आज ट्रेनिंग्स का भी जायजा हमने लिया है, इसके बाद हम पोलिंग स्टेशंस का भी जायजा लेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि इलेक्शंस जो हैं वो स्मूथली कंडक्ट हों और पीसफुली। सीमावर्ती इलाके में किस तरह की नज़र है? सीमावर्ती इलाके में भी पूरी नज़र बना के रखी गई है। हमने पिछले 2 दिन पहले नौशहरा सेक्टर के 2 जो विलेजेस हैं बियॉन्ड फेंस उनका विजिट किया और वहाँ पे भी सारे अरेंजमेंट्स चेक किए, सभी चीज़ों के लिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो तैयार। सर, हैंडीकैप लोगों के लिए किस तरह की फैसिलिटी रखी गई है? पार्क लॉन एरिया में काफ़ी ज़्यादा हैंडीकैप लोगों के लिए किस तरह की? जितनी भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिदायतें हैं फॉर इवन फिजिकली जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं PWD कैंडिडेट्स वोटर्स, उनके लिए अलग अलग तरीके अरेंजमेंट्स रखे गए हैं। पोलिंग स्टेशंस पे जो अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं उनको रखा गया है, जो वोटर्स बिल्कुल नहीं चल सकते, नहीं निकल सकते, उनके लिए होम वोटिंग की फैसिलिटीज़ हैं और इसके अलावा सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं इलेक्शंस के वो ऑनलाइन हैं ताकि कोई भी उनको मिस ना कर पाए। सर, वोटर टर्नआउट को बढ़ाया जाए इसको लेकर स्वीप के किस तरह के प्रोग्राम्स ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, खासतौर पर ऐसे इलाके जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं, उन इलाकों को भी टच कर रहे हैं? देखिए, वोटर टर्नआउट अगर आप देखेंगे तो अमूमन ये ऑब्जर्वेशन है कि गाँव में वोटर टर्नआउट अच्छा रहता है, वोटर टर्नआउट शहरों में कम रहता है। इसके लिए जो फोकस एरिया है वो हमारे यूथ हैं और एरिया जो टाउन्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। इसके लिए असेंबली लेवल पे आज से मेगा स्वीप ड्राइव स्टार्ट हो गई है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कल होगी और इसके अलावा सभी गाँव में ऑलरेडी हर जगह पे स्वीप एक्टिविटीज़ में यूथ की पार्टिसिपेशन इंश्योर की जा रही है। ये स्पेसिफिकली जो पिंक पोलिंग स्टेशन है हमारे राजौरी के लिए, उनके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग हमने फीमेल स्टाफ को दी गई है। पिंक पोलिंग स्टेशन एक वेलकमिंग स्टेप है कि हम जो कॉन्ट्रीब्यूशन है फीमेल स्टाफ का उसको कर सकें और एक एनकरेजमेंट, जैसे DC सर अभी उनको विजिट करके गए, उन्होंने उन्हें प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी और उनको उनकी हौसला अफजाई की कि क्यों उनका क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि इससे जो फीमेल वोटर्स हैं उनका भी एक नंबर हमारे लिए राजौरी डिस्ट्रिक्ट में बढ़ेगा, जो बहुत अच्छी बात है। और जो ट्रेनिंग है उसके लिए मास्टर ट्रेनर्स अंदर प्रेजेंट हैं, मास्टर ट्रेनर उन्हें अच्छी तरह से प्रॉपर एक एक चीज़ बता रहे हैं और ट्रेनिंग में उनको, मुझे लगता है कि इस तरह की ट्रेनिंग जब फीमेल स्टाफ के लिए हम अंदर देते हैं तो एक उनके अंदर एक एनकरेजमेंट आता है, डेडिकेशन की, वो भी इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे इलेक्शन प्रोसेस में, और इसी तरह की ट्रेनिंग उनको हमने दी है। और एज ए नोडल ऑफिसर मैं पिंक पोलिंग स्टेशन पर काम कर रही हूँ। और सर, आज ही ये ट्रेनिंग है, इसके बाद वापस से 2 to 5 times हम इन्हें ट्रेन करेंगे, जो भी इनकी कमियां हैं वो उन्हें वापस से बताई जाएंगी ताकि पोलिंग डे पे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए और सब अच्छी तरह इस इलेक्शन प्रोसेस को करें। सर, इस तरह की ट्रेनिंग से फीमेल को बूस्टअप बहुत मिलता है, स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात करें, राजौरी की बात करें, जब वो इस तरह के प्रोसेस में बैठती हैं, एक मेल के साथ में इस तरह का काम करती है, तो उन्हें लगता है कि उनका भी पार्टिसिपेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है एक मेल स्टाफ के लिए। तो और स्पेशली जो पिंक पोलिंग स्टेशंस हैं वो इसलिए बनाए गए ताकि वहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो आके ओपनली अपना, अगर किसी को कुछ ऐसा है तो वो ओपनली वोट करें, उन्हें एक शी इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड कर सकें जहाँ वो अच्छे से आए, प्रॉपर फैसिलिटीज़ उन्हें दी जाएँ। तो मुझे लगता है कि बूस्टअप तो बहुत ज़्यादा उन्हें मिलता है।